टी शर्ट की ड्रेस कैसे चेंज करते हैं इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले आप एक फ़ोटो ले लो जिसका कलर चेंज करना हो और सिंपल सा इस फ़ोटो में सेलेक्ट कर लो। अगर नहीं सेलेक्ट हो रहा है तो यहाँ से टॉलरेंस से चेंज कर लो। फिर भी अगर आपको येलो वाला कलर सेलेक्ट करना है, अगर उस प्रॉब्लम से मतलब ऐसे नहीं हो रहा है तो इसको सिंपल बंद कर दीजिए, जो कलर सिलेक्टिव उसको बंद कर दीजिए और इस इमेज को डुप्लीकेट कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपको सिंपल स्टेप बताऊंगा। अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम रिप्लेस कलर में जाते हैं। तो इस इमेज को जो येलो वाला पार्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसकी जो ओपेसिटी है मतलब ऊपर इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए जिससे आपका येलो कलर थोड़ा हाईलाइट हो जाए। और अच्छे से इसको देख लो, जब आपका येलो कलर हाईलाइट हो जाए तो आप नीचे ह्यू में कलर चेंज करेंगे। जब ह्यू में कलर चेंज करेंगे तो आप देखो इसका कलर सिंपली कितना सिंपल था, इसका कलर चेंज हो चुका है। पर ये तरीका जो है वो प्रॉपर काम नहीं आएगा, कई बार आपको ये तरीका काम नहीं आएगा। तो जो नेक्स्ट तरीका है वो हम इसको सबसे पहले डुप्लीकेट इमेज बना लो और इस जो इमेज को डुप्लीकेट बना लो एडजस्टमेंट में जाके फिर रिप्लेस कर दो। तो अभी मतलब इसी तरीके से हम दो तीन इमेज चेंज करके दिखा रहे हैं आपको कि दो तीन इमेज कैसे, दो तीन तरीके से इमेज आप कर सकते हैं। इसमें ब्लू या कोई भी मतलब कलर अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट करके देख लो। देखो जो कलर आपको अच्छा लगे वो वाला आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला आप जो सही लग रहा है वो सेलेक्ट कर लो। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर वो तरीका बताऊंगा जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर। तो ये वाला तरीका भी अच्छा है, इससे रिप्लेस देख लो आप। एक एक पॉइंट देखो कि वाइट करना, वाइट कर लो, जो मतलब आपको सही लगे वो कलर आप इससे कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देखो, इस पर मैंने पिंक करना पिंक कर लो या कोई भी कलर करना कर लो। तो अभी फ़िलहाल हम इससे जो कलर सही लग रहा है। अब इससे क्या प्रॉब्लम आती है, पीछे थोड़ा थोड़ा देख रहे हो थोड़ा सा नेचुरल लुक नहीं आ रहा, पर फिर भी इससे कलर आप चेंज कर सकते हो। तो अभी हम इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके देख, ये कलर चेंज हो चुका है पर फिर भी नेचुरल लुक नहीं आ रहा है। तो ये देखो रेड वाला ज़्यादा सही है, ग्रीन उससे सही है, पर जो दूसरा तरीका बताऊंगा वो ज़्यादा सही है। तो ये इमेज को हम फिलहाल हाइड करके देख लेते हैं कौन सा सही लग। नेक्स्ट तरीका जो है, इस इमेज को पहले हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, इस जो नीचे वाले ओरिजिनल इमेज है इसको डुप्लीकेट करते हैं, बाकी हाइड कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप ह्यू ते सेचुरेशन पे जाओ, यहाँ पर ये मेन तरीका है। इस तरीके से करोगे सबसे सही। ऊपर से सेलेक्ट कर लेते हैं येलो कलर, येलो कलर को ऊपर से आप चेंज करते हैं ह्यू। ह्यू चेंज करेंगे तो आपका जो इमेज है वो चेंज हो जाएगी और ये बेस्ट तरीका है इमेज चेंज करने का। तो आप यहाँ से देख लो कौन सा कलर करना, ब्लैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि मास्टर सॉरी ऊपर मास्टर सेलेक्टेड है, मास्टर नहीं सेलेक्ट करना हमने। अभी देखो पूरा इमेज चेंज हो रही है ना, क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि इसका मेन रीजन है ऊपर हमने मास्टर सेलेक्ट कर लिया है। जहाँ ऊपर देखो इसको हटा के हमने रेड, अगर रेड करेंगे तब भी कोई इमेज चेंज नहीं होगा, इमेज सिर्फ फेस वाला चेंज होगा। हमें येलो सेलेक्ट करना क्योंकि हमने येलो का चेंज करना ना, तब येलो को सेलेक्ट करेंगे तो देखो कलर चेंज। ब्लैक करना, ब्लैक कर सकते हो, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से आप इमेज चेंज कर सकते हो। अब हम इस तरीके से तीन चार इमेज चेंज करेंगे, तीन चार कलर बनाएंगे। तो इसमें आपको जो सही कलर लग रहा है, जो लगे नेचुरल कलर लग रहा है, क्योंकि कई तीन चार कर रहे हैं तो उसमें से कुछ नेचुरल नहीं लग रहा है। तो जब हम इमेज का जो कलर है मतलब बैकग्राउंड का कलर वो बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए, येलो को हम सिर्फ चेंज करेंगे। ऊपर से बिल्कुल हम बिल्कुल डिफरेंट कर देंगे कलर, और जो नीचे वाला है उससे इससे देखो थोड़ा सा कलर बिल्कुल ब्लू कलर हो चुका है और ये अच्छा है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस इमेज को सेव कर लेते हैं, नेक्स्ट भी चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि फिर से सेलेक्ट करते हैं येलो को, क्योंकि और कोई नहीं, येलो ओरिजिनल है तो येलो को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। येलो को सेलेक्ट करके फिर हम चेंज रेड करेंगे तो ऊपर फेस का कलर देखो, रेड पे हम चेंज कर रहे हैं तो फेस का कलर चेंज हो रहा है। हमें फेस का कलर नहीं चेंज करना। तो फिर अभी देखो कोई भी अगर कुछ भी चेंज करो तो रेड चेंज हो रहा है, पर हमें रेड नहीं करना है, हमें ये मास्टर ये है अपना ब्लू कलर। अब फिर से जाके येलो में को ही सेलेक्ट करेंगे, फिर ही चेंज होगा। रेड फिर से सेलेक्ट कर लिया, देखो आप रेड कलर सेलेक्ट करने से देखो क्या हो रहा है, फेस का कलर देखो, फेस का कलर कम ज़्यादा हो रहा है ना, तो हमें फेस का कलर नहीं चेंज करना। तो इसको ओके कर दे, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। ये ब्लू इमेज हो गई है। अब ये ब्लू इमेज अगर आप चाहो तो ब्लू करना है, ब्लू कर लो। इसको हाइड शो करोगे जो इफेक्ट है, तो ये आपका कलर ओरिजिनल जो भी कलर आपको यहाँ पे देख सकते हो, तीन चार कलर इमेज हमने बना रखी हैं ऑलरेडी। तो ये जो तरीका है बहुत ही बेस्ट तरीका है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक। ये तरीका
यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे येलो, तो येलो चेंज करेंगे इसको थोड़ा सा। ये भी प्रॉपर्टी है तो मेन वही, पर देखो इससे भी कलर चेंज हो रहा है। हम इसको एक एक चीज़ सेलेक्टिव कलर है, सेलेक्टिव कलर से भी चेंज कर सकते हैं, पर इसमें इतना एक्यूरेट कलर चेंज नहीं होगा। पर आप देख लो फिर भी जो हमें कलर चाहिए होगा, जिस चीज़ का चाहिए होगा ऊपर सेलेक्ट करके हम वो चेंज कर सकते हैं। ब्लैक कितना रखना, येलो कितना रखना, इसमें कम ज़्यादा करके इमेज को और बेहतर कर सकते हैं। इसको भी हम ओके कर दें, इसको हाइड करके ओरिजिनल इमेज पे चलते हैं और फिर से इसका एक ह्यू लेते हैं। ह्यू नहीं तो एक्सपोजर ये इनमें कुछ नहीं लेना, मैं ह्यू पे ही सिलेक्ट करना। अब इसका कलर फिर से हम कोई चेंज करते हैं, तीन चार कलर हमने बनाना, येलो को सिलेक्ट कर लेते हैं और येलो ही रख दें, क्योंकि कोई येलो से हम चेंज करते हैं ग्रीन की तरफ ले जाते हैं। अगर ग्रीन नहीं अच्छा लग रहा फिर नीचे पर, नीचे से तो हाईलाइट होगा नीचे, अगर या तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगा या तो फिर ब्लैक में आएगा, तो ऊपर से हम चेंज करते हैं रेड की तरफ ले जाते हैं। ब्लू शेड भी अच्छा लग रहा है, ये वाला कलर रेड इस पर ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, येलो तो एक्चुअल था ही, येलो का कोई दूसरा शेड ले जाएंगे तो फिर अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो